और मैच शुरू होने जा रहा है। पहली ओवर की पहली गेंद सामने है विशाल। शॉर्ट पिच गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में खेली गई शॉट। विशाल ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, दो रन से एक गेंद दो रन, बहुत ही धुआंधार शुरुआत। और मेरे ख्याल से हर गेंद बाद में एक ध्यान देना, एक नोट करना कि जब शॉर्ट पिच गेंद गिरती है तो कोई भी बल्लेबाज एकदम इजी जरा बॉल देना है। एक गेंद और दो रन, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज विशाल। मैंने कहा था पिछले मैच में इन्होंने कम से कम 22 से 23 रन निजी बनाए थे और मैच प्रमोद पैकर को जीत के दिया था, वही विशाल अभी देखेंगे कि मैच में क्या जलवे दिखाएंगे। बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, विशाल को समझ में आया सीधा गेंद कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। टपक गिरने के बाद थोड़ी अंदर से आती हुई गेंद विशाल को समझने, दो गेंदे दो रन। अच्छी गेंद थी, हल्की सी प्लेस शॉट लेग की दिशा में गेंद, मेरे ख्याल से डिक्लेयर जोन में अंपायर का एक रन का इशारा। कुल मिलाकर स्कोर है तीन रन, तीन गेंद तीन रन, कोई विकेट नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लाइन ऑन लेन दे रहे पैड़ी, कभी स्लो वन डाल रहे कभी फास्ट, बहुत ही नफी तुली गेंदबाजी कहा जा सकती है पैड़ी की। तीन गेंद तीन रन और हमारे सबके हजारों दिलों की धड़कन शरद कामरे इनका व्यस्त आगमन हो गया है। और ये रन आउट, मुझे लगता है रन निकालने की कोई जरूरत नहीं थी और अंपायर का एक वाइड का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन मगर एक विकेट तो खोना ही पड़ा। टीम का कुल मिलाकर स्कोर है चार रन एक विकेट के नुकसान पर। और सचिन मुझे लगता है बैक टू द पैवेलियन। और मुझे लगता है सचिन की पारी की अगली गेंद और सामने धुआंधार से बल्लेबाज विशाल। शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण, कोई रन नहीं, एक रन बचाया क्षेत्र रक्षण ने। बहुत ही अच्छी नफी थुली गेंदबाजी, अच्छा क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, एक अच्छा नमूना देखने को मिल रहा है जय बजरंग स्पोर्टिंग क्लब। और टीम का कुल मिलाकर स्कोर है चार रन एक। लेग स्टंप पे बहुत ही बाहर अंपायर कुलजीत सिंह सी, बाहर अंपायर ने दोनों हाथ खोल दिए वाइड का इशारा। टीम का कुल मिलाकर स्कोर है पांच रन एक विकेट के नुकसान पर। थोड़ी मैच में रुकावट रुकावट लिखे थे मेरे दोस्तों। पैड़ी की अगली गेंद सामने विशाल, कुल मिलाकर टीम का स्कोर है पांच रन एक विकेट के नुकसान पर। और वही गलती वापस वही गेंद बाद में दोहराए लेग स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, अंपायर का वाइड रन का और एक एक्स्ट्रा रन बोनस के रूप में
टीम का कुल मिलाकर स्कोर है 7 रन। और मुझे लगता है पैडी को लाइन लेन थोड़ी रुकआउट हो रही है। अगली गेंद, ओहो क्या गेंद, डिफ्लेक्टेड गेंद, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी उछल गई गेंद, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए, कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ। कुल मिलाकर स्कोर है टीम का 7 रन। अभी भी इस ओवर की एक गेंद बाकी होगी, थोड़ा महंगा ओवर साबित हो रहा है क्योंकि 5 गेंद अभी तक गिरे और 7 रन मिले। और विशाल जो निजी मुझे लगता है 5 रनों पे खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छी पारी, बहुत ही जबरदस्त गेंद, यॉर्कर लेन, बैट एंड पैड, कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी देखेंगे दूसरी ओवर की पहली गेंद किसके हाथ में सौंपी जाती है। 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। क्या गेंद है, बहुत जबरदस्त गेंद, यॉर्कर लेन, अच्छी गेंदबाजी टीना की। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद, टीम का कुल मिलाकर स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त शॉट, लॉन्ग बॉल और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई और ये कैच छोड़ा है, 1 रन मिला है, दूसरे रन के लिए भागना चाहते हैं और 2 रन निकालने में बल्लेबाज कामयाब। बहुत ही खराब सेतनरसन का नमूना देखने मिलना है। टाइगर टाइगर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये कैच छोड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल खिलाड़ी के हाथ से जब कैच छूटता है तो बहुत ही दिल को बहुत लगता है कि वो, और वो भी टाइगर के हाथ से। चलो ठीक है, टाइगर अभी भी जिंदा है। अगली गेंद, ओह क्या गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी उछल गई, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी दिशा दे रहे टीम ने अपनी गेंदबाजी को। अब टीम का कुल मिलाकर स्कोर है 9 रन। विशाल जो अच्छा योगदान दे रहे हैं अपनी टीम के लिए, जो निजी 7 रन पे खेल रहे हैं उनका 7 रन बाद सुजीत टीना के अगले गेंद सामने। सुजीत बड़े शॉट खेलने की कोशिश थी मगर पल्ला छूट के गेंद सीधा कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। कुल मिलाकर स्कोर है टीम का 9 रन। ठीक है, तैयार टाटा एंड से सामने सुजीत, बहुत ही जबरदस्त गेंद, लक्ष्य के तो भाग हो रहा है अंपायर, मेरे उम्मीद से अंपायर ने दोनों हाथ खोल दिए और अभी कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंद हवा में, स्क्वायर लेग की दिशा में गेम खेली गई। बाबू दा नंबर जरा वेस्ट पिट है बाबू, टीम का कुल मिलाकर स्कोर है 11 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी टीना की, अच्छा ब्रेक लगा रहा है रनों के ऊपर, अच्छी शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन, टीम का स्कोर है 12 रन। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद और अच्छी गेंदबाजी, मुझे लगता है पैड ने इस ओवर में माफ करना टीना ने 5 रन दिए और अभी देखेंगे तीसरे ओवर कौन लेके आ रहा है। 2 ओवर 12 रन 1 विकेट।
और बहुत ही बड़ी संख्या में प्रेक्षक इस मैदान में मौजूद है, क्योंकि आज छुट्टी है, संडे है, क्रिकेट का एक सब क्रिकेट शौकीन। मैं कहा कहता हूँ ना, नायगांव में क्रिकेट शौकीनों की और क्रिकेट खिलाड़ियों की कुछ कमी नहीं है। अच्छा आनंद ले रहे। तीसरे की पहली गेम लेके आएंगे शुभम। शुभम जो शगुर माफ करना, पिछले मैच में उन्होंने कम से कम मुझे 12 रन दिए थे, अभी ये और मैं क्या करते, कितना रनों के ऊपर अंकुश बिठा दे। अगली गेंद, अच्छा शॉट, पॉइंट की दिशा में शॉट खेला गया, 2 रन कुल मिला के स्कोर है 14 रन। टीम का स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शगुन की अगली गेंद, बहुत तो जबरदस्त शॉट, मिड विकेट की दिशा में शॉट खेली गई, 1 रन निकला, 2 रन के लिए भागना चाहते हैं और मुझे लगता है 2 रन निकालने में कामयाब। बहुत ही जबरदस्त ताल में अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में, और कुल मिला के स्कोर है 16 रन। और बहुत ही जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल अपनी टीम के लिए, जो निजी 7 रन पर खेल रहे हैं और उनका साथ निभा रहा है सुजीत, जो निजी मेरे ख्याल से 5 रन पर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर है 16 रन। अगली गेंद, अच्छा शॉट, कारपेट शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन निकालने में कामयाब। टीम का स्कोर है 17 रन। विशाल जन्नी जी 8 रन पे खेल रहे हैं। शॉर्ट पिच स्कोर लेके दिशा में 1 रन। टीम का कुल मिला के स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुजीत बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे, जो निजी 6 रन पे खेल रहे, उनका साथी भरा है विशाल, जो निजी 8 रन पे खेल रहे। शकुन की अगली गेंद, शकुन लगा ऐसे शॉर्ट पिच गेंद डाले, लाइन एंड लेंथ अच्छी तरह आप आपके गिर के तो बहुत ही अच्छी गेंद गिर सकती है। बहुत ही अच्छी शॉट, मिड विकेट की दिशा में शॉट खेली गई, 1 रन निकाला है, 2 रन के लिए भागना चाहते और क्रीज छोड़ा और मुझे लगता है 2 रन निकालने में कामयाब। खराब थ्रो, मुझे लगता है स्ट्राइक की तरफ जो थ्रो देते थे तो आराम से रनआउट मिलता था, कोई तालमेल नहीं खिलाड़ियों के बीच में, क्षेत्रों के बीच में, और 2 रन निकालने में कामयाब। टीम का स्कोर है 20 रन। कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान। अच्छी जोड़ी होने के जमे सुजीत और विशाल की। बहुत जबरदस्त गेंद, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद हवा में और ये आउट, बहुत ही बड़ा झटका, बहुत ही बड़ी विकेट मिली है विशाल की, माफ करना सुजीत की। सुजीत जो निजी 7 रन पे बैक टू द पैवेलियन। टीम का स्कोर है कुल मिला के 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी देखेंगे सुजीत की जगह कौन लगे, मेरे ख्याल से सुजीत की जगह टीम के कप्तान प्रशांत दाभोलकर को लेना ही चाहिए, और मेरा ख्याल सही निकला। नहीं नहीं अमित अमित आया, मुझे लगता है प्रशांत की बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट होगी, इसलिए वो बोला मैं पीछे ही रहता हूँ कि टीम को मेरी जरूरत है, और सुजीत की जगह लेंगे उनके ही छोटे भाई अमित। देखिए
तीन ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिला के स्कोर है 20 रन, म्हणजे मला वाटतं 3 षटक आणि 20 धावा, म्हणजे जवळजवळ 7 पावणे 7 धावा जिथे नक्कीच सरासरी असणार आहे. आणि चौथ्या षटकातला पहिला चेंडू घेऊन येतो, मला वाटतं चिकिया चिकिया बघू काय करतो आपल्या संघासाठी. खूपच सुरेख असा चेंडू होता आणि नावाप्रमाणे चिकिया एक चिकट असा चेंडू होता. अरे बघू चिके तुला हे नाव लहानपणापासून चिक्या का पडला, तू लहानपणी काय चिक्या बिक्या खायचं का रे बाबा, काय काय राजगिरी आणि शिंगदाण्याचा. खूपच सुरेख असा गोल होता, चेंडू दीड धाव, 5 चेंडू शिल्लक असणार आहेत. पंचसाला निर्णय कळवायचा आणि बाद पहिली सफलता हासिल हुई चिक्या को. कुल मिलाकर स्कोर है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और अभी आए हैं बल्लेबाज टीम के कप्तान, बहुत ही बेसब्री से इंतजार था. और प्रशांत तुम मैदान में कदम रखे हो, तुम्हारे लिए बख्शी तो भी खैरात बैठ रहे. हमारे सबके जाने माने राज कंटे साहब के तरफ से 501 का इनाम है. प्रशांत नोट करना है, 501 मिलेंगे छक्के को. ये इनाम आया है हमारे राज साहब से, राजकंटे की तरफ से, और तुम्हें इनाम लेना है, पूरी कोशिश करना है. टीम का स्कोर है 20 रन. कुपचुरे का सा चेंडू होता, पायल आता है विशाल ने क्रिस सोल्ड ने जोरदार अपील होती. बात कोण असणार पंच, विशाल की प्रशांत. आणि मला वाटतं विशाल सगळ्यात मोठी विकेट पडली होती, म्हणजे विशालची मोठा धक्का बसला संघाला 440 पोहोचा विशाल हा बाद झाला. मोठं वैयक्तिक 10 धावसंख्येत बाद होते. खूपच सुरेख अशी खेळी केली आणि खूपच सुंदर अशी गोलंदाजी चिक्याची. नावाप्रमाणे खूपच चिकट अशी गोलंदाजी, कारण 2 चेंडू टाकले, 2 गडी मिळवल्यात आणि एकही धाव दिलेली नाही. संघाची धावसंख्या स्थिर होती, संघाची धावसंख्या 20 धावा, 4 गडी बाद 20. आणि आता म्हणलं विशालची जागा खेळतो ओमकार, बघू ओमकार काय करतो आपल्या संघासाठी. षटकातले 4 चेंडू शिल्लक असणार आहेत. पाच संघ जवळजवळ प्रत्येक षटकामागे 6 धावांच्या गतीने हा खेळतोय, प्रत्येक चेंडू मागे 10 वर. आतापर्यंत मला वाटतं 20 चेंडू पण पडले, त्यामुळे 20 धावा मिळवल्यात. अजूनही ह्या इनिंग मधले 4 चेंडू शिल्लक असणार आहेत. क्रिकेटचा पुढचा चेंडू समोर येतो ओमकार, टप्प्याचा चेंडू होता पण थोडा टायमिंग सुटत आणि मला वाटत हा ओमकार धावबाद. खूपच सुरेख असा चांगला थ्रो होता आणि मला वाटत बॅट एक 5वा धक्का बसला संघाला ओमकारच्या रूपात. 0 धावसंख्येवर ओमकार तंबूत परततोय. खूपच सुरेख अशी गोलंदाजी चिक्याची म्हणतात, मी तुम्हाला बघितलं खूप नाव प्रमाणात चिकट अशी गोलंदाजी करतोय. 3 चेंडू टाकल्याने 1 धाव दिले, 2 रनआउट, एक बोल्ड, खूपच जबरदस्त अशी गोलंदाजी. मैं कहता हूं बहुत ही नफी तुली गेंदबाजी जिसे कहा जा सकती है. और अभी टीम का स्कोर है 20 रन. स्कोर वहां के वहां रुका हुआ, 3 गेंदे बाकी और अभी ओमकार की जगह लेंगे प्रवीण. और अभी स्ट्राइक के लिए आया प्रशांत. प्रशांत तू तुम्हारा इनाम तुम्हें याद है ना, 1 छक्के को आपको 500 रुपये मिलेगा. वो इनाम आया हमारे राजकंटे की तरफ से. ओहो अच्छी कोशिश थी, बैट का अंदर के ना, बहुत अच्छी फील्ड, 1 रन तो निकालने में कामयाब. टीम का स्कोर है 21 रन. 2 गेंदे बाकी होगी इस ओवर की. बैट का मुझे लगता है प्रशांत का अंदरूनी किनारा लगा, बैट के बीचों बीच गेंद लगती थी, पक्का छक्का तो होता था. अच्छी कोशिश थी.
दो गेंदे बाकी अभी तक चीका के, कुल मिलाकर स्कोर है 21 रन। अच्छी गेंद और ये रन आउट, एक रन आउट की परंपरा ही चालू लग रही है मुझे, देख रहा है मैं आज अभी तक देख रहा हूं टीम के चार बल्लेबाज तो रन आउट ही हो गए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा अंकुश, अच्छा ब्रेक लगाया चीका ने रनों के ऊपर, क्योंकि 5 गेंदे गिरी, 1 रन और 4 सफलता हासिल इस इनिंग की, इस ओवर के आखिरी गेंद, कुल मिलाकर स्कोर है 21 रन। बहुत ही जबरदस्त नफीतुली गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंद और ये रन आउट, मुझे लगता है 5वां रन आउट। कुल मिलाकर स्कोर है टीम का 21 रन, जीतने के लिए जरूरत होगी 22 रनों की। और ये जो 5 विकेट गिरे उसमें के 4 विकेट में तो प्रशांत दाभोलकर शामिल थे, क्योंकि चार बल्लेबाजों को तो इन्होंने आउट किया है कॉल देकर। मुझे गांगुली की तो जरूर याद दिला दी, क्योंकि गांगुली ने हर बार ऐसे करते थे, कभी सचिन को आउट करते थे, कभी अजय जडेजा को आउट करते थे। ठीक है चलो, जीतने के लिए 22 रनों का लक्ष्य होगा। कंपल्सरी 22 धावा बनवायच्या आहेत। चला जरा लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण जमवायचं आहे। तसेच मैदानावर पुन्हा दाखल होत आहेत दोन्ही फलंदाज पॅडी आणि रोहन। मागच्या सामन्यामध्ये दोन्ही फलंदाजांनी अप्रतिम पारी खेळली गेली होती पॅडी आणि रोहननी। गोलंदाज सुंदर असा फटका डिक्लेअर झोन मध्ये जाताना दिसतोय आपल्याला, डिक्लेअर झोन मध्ये 1 धाव मिळते। धन्यवाद पंच नवीन। आपला एक प्रतिनिधी पाठवायचा मंचकावर पुन्हा एकदा।
निलेश टॉस उडवायचा आहे, टॉस कोण आहे? डिक्लेअर झोन मध्ये गेला होता, एक धाव मिळते. सुंदर असा चेंडू काही सकाळ कळला गेला नव्हता, फलंदाज झाला रोहन याला. डॉटच्या रूपात जातोय सुंदर फटका, डिक्लेअर झोन मध्ये जाताना दिसतोय. दोन धावन करता सुंदर अशी फटकेबाजी पाहायला दिसते आपल्याला रोहनच्या बॅट मधून. एक एक दोन दोन धावण करिता खेळत असलेला पॅडी रोहन, सुंदर अशी फलंदाजी गोलंदाज, पुन्हा त्या दिशेने मारा करत असलेला फलंदाज रोहन. त्याच दिशेने खेळत असलेला रोहन बॅटच्या रोहनच्या बॅट मधून डिक्लेअर झोन मध्ये एक धाव मिळते, धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती सहा धावांवर. पहिले षटक संपून धाव संख्या पोहोचते सहा धावांवर. वैयक्तिक पहिले षटक आणि या सामन्यातलं दुसरं षटक घेऊन येतोय विशाल, ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम फलंदाजी केली गेली होती विशालनी, मात्र आज गोलंदाजीचा कौल घेतलाय विशाल यांनी. स्ट्राइक वर पॅडी, गोलंदाज विशाल. वरच्या दिशेमध्ये खेळला गेला होता चेंडू, आकुल टप्प्याचा चेंडू होता, डॉटच्या रूपात जातोय चेंडू. गोलंदाज विशाल, सुंदर फटका पॅडीच्या बॅट मधून डिक्लेअर झोन मध्ये जाताना दिसतोय. बॉल एकच धाव मिळते डिक्लेअर झोन मध्ये. जुना दे आता सेकंड ओव्हर आहे ना. तसेच माझे मित्र अजित मोहिते टेनिस क्रिकेट जगतातलं एक नावंत, दोन धावा मिळत आहेत अजित मोहिते. त्याच दिशेने फटकेबाजी करतात पॅडी, पॅडीच्या बॅट मधून दोन धाव निघतात डिक्लेअर झोन मधून.
मात्र धाव संख्या जाऊन पोहोचली ती 11 धावांवर। वरच्या दिशेमध्ये खेळला गेला होता पॅडीच्या बॅट मधून वरच्या दिशेमध्ये अष्टदशक झेल निसटली गेली होती मात्र एकच धाव मिळते। काही सकाळी फलंदाजाला चेंडू कळला गेला नव्हता वरच्या दिशेमध्ये खेळला गेला होता चेंडू आता अष्टदशकाच्या हातातून निसटला गेला होता चेंडू। तसेच माझे मित्र निलेश लाड यांचे देखील मी मनपूर्वक स्वागत करतो। सुंदर असा चेंडू वळवला गेला होता सरळ दिशेमध्ये चेंडूचा वेग भार फार भरपूर होता मात्र काही सकाळ फलंदाजाला कळला गेला नव्हता डॉटच्या रूपात जातो ओव्हर झाली ओव्हर। एक मिनिट ओव्हर झाली ओव्हर। धाव संख्या 12 दोन षटक संपून धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 12 धावांवर। धाव संख्या 12 वैयक्तिक पहिलं षटक आणि या सामन्यात तिसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज। बॉलरचं नाव सांगायचंय धीरज गोलंदाज धीरज नीरज वैयक्तिक पहिलं षटक आणि या सामन्यात तिसरं षटक नीरज। सुंदर असा फटका लेगच्या दिशेमध्ये दोन धावन करता जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये। धाव संख्या जाऊन पोहोचली ती 14 धावांवर। सुंदर असा चेंडू मोठा फटका मानस प्रज्ञात दोन धावा डिक्लेअर झोन मध्ये। पॅडी सुंदर असे फलंदाजी आपल्याला पाहायला दिसते पॅडीच्या बॅट मधून सुंदर असा फटका ऑफच्या दिशेमध्ये खेळला गेला होता डिक्लेअर झोन मध्ये दोन धावा मिळत आहेत। आतापर्यंत पॅडीच्या बॅट मधून पाहायला दिसते मात्र धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 18 धावांवर। सुंदर फटका वरच्या दिशेमध्ये खेळला गेला होता चेंडू क्षेत्ररक्षक सुंदर अशी झेल घेताना पॅडी बाद होतोय सुंदर अशी फलंदाजी करून जातो पॅडी ट्रॅव्हलिंगच्या दिशेमध्ये मात्र स्ट्राईकवर जाऊन पोहोचतोय तो रोहन ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये पॅडी आणि रोहननी अप्रतिम फलंदाजी केली गेली होती सामना जिंकवला गेला होता धाव संख्या जाऊन पोहोचतोय ती 18 धावांवर। चार चेंडू धाव संख्या 18 सुंदर फटका डिक्लेअर झोन मध्ये खेळताना रोहनच्या बॅट मधून एक धावा येतोय झोन मधून। सुंदर अशी पंच दिशेमध्ये खेळला गेला होता कच्च्या दुबा रूपात एक धाव येते रोहन।
यांच्या बॅटमधून दुसरे रन घेण्याच्या प्रयत्नात एकच धाव मिळते. षटक संपते, धाव संख्या जाऊन पोहोचते, धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 20 धावांवर. जिंकण्याकरिता 6 चेंडू, जिंकण्याकरिता 2 धावांची गरज, 6 चेंडू 2 धावा. का मात्र टेनिस क्रिकेट खेळतात हा वेळ का लागलेला आहे, मात्र हा टेनिस क्रिकेटनी पूर्ण जगभरात टेनिस क्रिकेट आपण पाहतोय. वेड लावलेलं क्रिकेट दोन धावा जिंकण्याकरिता सुंदर असा चेंडू, पंचांकांना वाईट इशारा येतोय. धन्यवाद पंच निलेश लाड. चला त्वरित पुढील होणारा सामना लवकरात लवकर सामन्यानंतर सामना खेळवायचा आहे. सुंदर असा फटका रोमच्या बॅटमधून, संघ विजयी ठरतोय. धन्यवाद